खबर ही करेंगे। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर कांड के बाद अब पटना प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और अब प्रशासन की तरफ से पटना के भिखना पहाड़े स्थित कोचिंग सेंटरों में भी जांच की जा रही है। पटना में खान सर की कोचिंग की जांच की गई। जांच करने गई टीम को कई खामियां मिली हैं। पटना सदर के एसडीएम का कहना है कि तमाम कोचिंग संस्थाओं की जांच जारी है। कई कोचिंग संस्थानों ने कुछ दिन का वक्त मांगा है। कोचिंग संस्थान में हर हाल में व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें दिल्ली में जैसे ही कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसके बाद से ही डीएम ने ये आदेश दिए थे कि सभी कोचिंग सेंटर जो पटना में संचालित हो रहे हैं उसकी जांच की जाएगी, वहां पर्याप्त सुविधा छात्रों को मिलती है या नहीं, और उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई। हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ भिखना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 सेंटरों में गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? मिला सर तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन एंट्री एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। और अब बात करेंगे बिहार में बन रहे सुखाड़ की स्थिति की। दरअसल बिहार के कुछ जिले हैं जहां सुखाड़ की स्थिति बन गई है, खेतों में दरारें देखने को मिल रही हैं और मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में हुई कम बारिश की वजह से करीब पटना सहित 8 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं। 50% से भी कम बारिश इन जिलों में हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश दर्ज की गई। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मॉनसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी फेल हो गई। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं और बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मॉनसून की स्थिति से किसान परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तो कहां कहां बारिश कम हुई है वो आपको बताते हैं। तो देखिए लखीसराय के साथ ही पटना, ये कुछ ऐसे जिले हैं और करीब 8 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। पटवन की समस्या जो है उनके सामने है कि आखिर कैसे उनके फसल तक वो पानी पहुंचाएं। तो मॉनसून की मार से किसान परेशान है क्योंकि बिहार में अब तक 32% कम बारिश हुई है। 8 ऐसे जिले हैं जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और आरा की तस्वीर है जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से खेतों